हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? ये एंथैल्पी चेंज होता है जब वन मोल सब्सटेंस बनता है एलिमेंट से, अपनी जो एलिमेंट्स है उसके उनसे बनेगा हमारा जो कंपाउंड होगा, जो सब्सटेंस होगा, और स्टैंडर्ड स्टेट में वो फॉर्म होंगे। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल of a substance is formed from its elements in their standard state। इसमें standard state में इसको हम represent कैसे करेंगे? Delta F H note से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमें निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा डेल एफ एच नोट प्रोडक्ट्स का माइनस में सम हो जाएगा डेल एफ एच नोट रिएक्टेंट्स का। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की, तो किसके बराबर हो जाएगी? हमारी सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वो किसके बराबर होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। देखिए, अगर हमारे पास है सल्फर, ये क्या है हमारी सॉलिड, प्लस में ओ टू, ये क्या है गैस, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? एस ओ टू गैस में। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है डेल एफ एच नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 296.8 किलो जूल पर मोल। तो ये वाली जो हमारी एंथैल्पी होगी 296.8 माइनस में, वो क्या है? इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, जो हमारा एसओ टू फॉर्मड हो रहा है वन मोल है एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है और क्या है स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। दैट्स वाई जो वैल्यू हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर? माइनस 296.8 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से एक और रिएक्शन हमारी जी एच टू ट्वाइस ऑफ एच टू प्लस ओ टू, ये क्या हमारी गैस में है, गैस प्लस में ओ टू टू गिव ट्वाइस ऑफ एच टू, ये क्या है गैस में। तो इनके लिए हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, दैट इज डेल आर एच नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 571.6 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास है। तो अब हमें बताना है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। क्या जो ये गिवन है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के? देख के बताइएगा जल्दी से, देखिए क्या इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे टू मोल्स बन रहे हैं। हमने क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में वन मोल ऑफ जो सब्सटेंस है वो फॉर्म होगा, पर यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एलिमेंट से बन क्या रहा है, वन मोल ऑफ कंपाउंड नहीं बन रहा, टू मोल्स बन रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या नहीं होगी, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टू से, तो क्या जाएगी इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगा काम। तो इसे हमें क्या करना है, माइनस ऑफ 571.1.6 बाई टू, तो वैल्यू आ जाएगी 285.8 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 571.6 बाई टू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसके ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है ये किसके बराबर होगी, डेल्टा एफ एच नोट की, ये किसके बराबर होगी हमारी डेल्टा एफ एच नॉट के, बिकॉज ये क्या होगी वन मोल ऑफ जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है उसके लिए होगी। सो नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एन टू गैस प्लस 3H2 गैस टू गिव ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, ये हमारे पास है। और हमें इसका डेल्टा आर एच नॉट गिवन है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 92.3 किलो जूल पर मोल, ये हमें गिवन है। और पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस, ये हमसे पूछा है। तो ट्राई करेंगे, यस ट्राई कीजिए, क्या हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए
यहाँ पे हमें गिवन है 2 moles के लिए, क्या बन रहे यहाँ पे 2 mole बन रहे अमोनिया के, बट हम क्या बोलते हैं स्टैंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 mole ऑफ हमारा जब कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगी हमारी स्टैंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब क्या होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे और अपने एलिमेंट से वो फॉर्म होंगे, तो एलिमेंट से बन रहे स्टैंडर्ड स्टेट में और यहाँ पे क्या है 2 mole बन रहे, तो इसलिए ये क्या नहीं होगी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर हम बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डेल्टा आर एच नॉट गिवन है माइनस ऑफ 92.3 किलो जूल पर मोल, बट हमें क्या निकालनी है डेल्टा एफ एच नोट, तो किसके बराबर हो जाएगी माइनस 92.3 बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या होगी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हमें क्या निकालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है। गिवन है हमें, देखिए हमारी रिएक्शन है जेड एन ओ एस प्लस मी सॉलिड सी ओ गैस टू गिव जेड एन एस प्लस मी क्या हो जाएगी सी ओ टू गैस, ठीक है ये है। इसके लिए हमें डेल्टा एफ गिवन है, डेल्टा एफ हमें गिवन है डेल्टा एफ एच नॉट जेड एन ओ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 350 किलो जूल पर मोल, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है डेल्टा एफ एच नोट सी ओ टू गैस, डेल्टा एफ एच नोट सी ओ गैस, तो ये हमें गिवन है माइनस ऑफ 390 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास है माइनस ऑफ 390, और हमारे पास है माइनस ऑफ 110 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारी रिएक्शन है, डेल्टा एफ एच नॉट हमें गिवन है, पूछा है हमसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगी, तो कीजिए ट्राई आप करेंगे। देखें हम, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होती है डेल आर एच नॉट, किसके बराबर होता है हमारा सम होता है ये डेल एफ एच नॉट प्रोडक्ट्स का, बताया था पीछे, माइनस में डेल एफ एच नॉट रिएक्टेंट्स का, क्लियर है। क्या होती है जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर। तो अब हम प्रोडक्ट्स देखते हैं कौन है, प्रोडक्ट्स में देखिए कौन है, जेड एन है और सी ओ टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एफ एच नॉट जेड एन, ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा डेल एफ कौन है सी ओ टू, डेल एफ एच नोट सी ओ टू गैस में है, ये होगी प्रोडक्ट्स की, माइनस में करना है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में कौन है जेड एन ओ एंड सी ओ है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा डेल एफ एच नोट जेड एन ओ सॉलिड में है और प्लस में क्या है डेल एफ एच नोट कौन सा है सी ओ गैस, क्लियर है। ये हमारे पास आ जाएगी डेल एफ एच नोट जेड एन, डेल एफ एच नोट सी ओ टू और डेल एफ एच नोट जेड एन देन डेल एफ एच नोट सी ओ, तो जेड एन है सी ओ टू है देन जेड एन एंड देन सी ओ है, तो ये आ गए हमारे पास प्रोडक्ट्स माइनस में रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने राइट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए जेड एन की तो देखिए क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, हमने कन्वेंशन पहले भी यूज किया था एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे जीरो प्लस में क्या हो जाएगा एच नोट डेल एफ एच नोट सी ओ टू गिवन है कितना है माइनस 390, माइनस का 390 ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस में कीजिए इनका रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का हमें गिवन है जेड एन ओ, जेड एन ओ का देखिए माइनस 350, ठीक है माइनस का 350 प्लस में और माइनस में क्या है सीओ का, सीओ का कितना है माइनस 110, माइनस 110 इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 390 है फिर माइनस 350 है फिर माइनस 110 है। अब करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस 390 हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा माइनस 350 और क्या हो जाएगा माइनस 110, इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अब क्या आ जाएगा माइनस का 390 और माइनस में देखिए जीरो है 5 and 6 और ये कितना हो जाएगा 3 and 4 और प्लस में, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी प्लस में 70 किलो जूल पर मोल, तो ये क्या आ गई हमारे पास
प्लस मीन जो 70 किलो जूल पर मोल है, क्या आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कर लीजिए और कर लेंगे आप। सो के स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।